ये काशी जो है धार्मिक नगरी है और मोक्षचक्षी नगरी है। और यहाँ पे जो है बनारस के अंदर जो है दो ही घाट है, एक मणिकंका घाट और एक है आपका जो है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट पे जो है सब सौ जो लोग लेके आते हैं तो उससे क्या है कि इतनी देख दुर्व्यवस्था यहाँ पर है और एक तो जगह की कमी है। अब बरसात के दिनों में यह दशा हो जाती है कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है और गलियों के अंदर जो है सौ को जो जलाया जाता है जिससे लोगों को बेहद परेशानी हो जाती है। और सौ लेके जो भी लोग आते हैं उनको बैठने तक का भी यहाँ पर जुगाड़ नहीं है। यह हमारे मोदी जी के क्षेत्र मेरे लिए बहुत बड़ा यह दुर्भाग्य का केंद्र है। बता रहे हैं आप भी किसी क्षेत्र के सभासद हैं और यहाँ पर गंदगी का क्या आलम है? यह गंदगी का आलम तो बहुत अधिक है क्योंकि आप गली में खुद ही देख रहे हैं कि गली में क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन नहीं है। तरह तरह के यहाँ नालियाँ बह रही है, साफ सफाई की व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो काशी को कलंकित करने का जो है बहुत बड़ा जो है इसमें सहयोग है यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों का भी और उसके अलावा यहाँ प्रशासक का भी। कम से कम यह लास्ट में जो लोग यहाँ पर आते हैं सब लेके तो कम से कम यहाँ तो कम से कम अंतिम क्रियाक्रम कर्म के समय यहाँ कम से कम साफ सफाई की व्यवस्था हो और सब जलाने में लोगों को सहूलियत हो, जबकि यहाँ सहूलियत के नाम का कोई चीज भी नहीं है। सहूलियत के नाम पे कोई चीज नहीं है। खुद एक क्षेत्र के पार्षद हैं और उस नाते बता रहे हैं, देख सकते हैं कि सामने जो सिल्ट है वो निकाल के यहाँ रखा गया है। और ये कहा जाए तो ये जो जगह है वो मोक्ष का द्वार कहा जाता है और ये तमाम गंदगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ डोम परिवार के लोगों से बात हो गई, शवयात्रियों से बात हो गई, बात बेहद ज़्यादा जरूरी है करना यहाँ के रहने वाले लोगों से जो कि बताएंगे कि क्या उनको गलियों में शौदा करने से दिक्कत होती है, क्या तकलीफ होती है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? जी सर, मैं यहीं पर रहता हूँ। गंगा जी बाढ़ आ जाने से ये गली में लाश जलता है और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हमारा घर भी बंद हो गया है और हम लोग को दूसरे जगह रहना पड़ता है। ये जो शव दाह होता है उससे गर्मी और जो इस पे राख उड़ती है या जो और दिक्कत होती है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं घर परिवार में, क्या दिक्कत आती है ये बताइए? बहुत सी दिक्कत है सर, पूरा धूल उड़ के जाता है, राख पूरा घर में हमारे, धुआं से आँख भी खराब हो जाता है लोगों का। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या दिक्कत है आप इसी इलाके के। हर साल इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है सर। ऐसी बात है, इस माहौल के हम नहीं है लेकिन संगुदा क्षेत्र है, लेकिन इस माहौल रहने वाले इसी माहौल के हम हैं, लेकिन इस माहौल में बहुत गंदगी, हद से ज़्यादा गंदगी है। यहाँ सौ को अंतिम क्रिया करने की जगह एकदम नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि आपको कैमरे के सामने ला कर पूरा दिखलाया गया है, उसके आगे हम क्या बोले अब। ये तो स्थानीय लोग हैं और देख सकते हैं कि तमाम विदेशी पर्यटक भी यहाँ आए हैं जो यहाँ पे अंतिम क्रिया होती उसको देखने के लिए, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत और तकलीफ़ हो रही है। और साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है और लोगों को काफ़ी दिक्कत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।